नाम क्या आपका? मोइन सैयद। मोइन सैयद जी, ये बताइए, पुणे में हम मौजूद हैं, महाराष्ट्र में अब 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, किसकी सरकार आ रही है इस बार? उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे की क्यों आ रही है? उद्धव ठाकरे जाति भेद नहीं करते ना, इसके लिए हमारे को उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सेफ मुख्यमंत्री वही चाहिए हमको। अब ये बताइए, जो अभी लाड़की बहना योजना मिल रही है, आपके घर में मिल रही है वो योजना? हमने कोई पैसा नहीं लिया या फॉर्म नहीं। आपके मोहल्ले में मिल रहा होगा? हाँ मिल रहा है, बट हमको उससे कोई लेना देना नहीं। कितना मिल रहा है इस बार? 1500 रुपये बोल रहे थे, तो हमको नहीं पता उसका। और आपके आसपास जो प्रधानमंत्री आवास योजना वो मिल रही है? कौन सी योजना? जो घर बने हैं लोगों के, वो मिला है? अभी तक कुछ नहीं मिला, वो नहीं पता, जानकारी नहीं हमको। अच्छा, तो आप युवा हैं, रोजगार मिल रहा आपको? रोजगार तो ये सरकार में कुछ मिल रहा तो नहीं है, बस जात भेद के ऊपर ये सरकार चल रहा है, बीजेपी का गवर्नमेंट है। तो उद्धव ठाकरे अच्छे हैं? उद्धव ठाकरे बेस्ट है मुख्यमंत्री। कब से बेस्ट हो गए वो? तो पहले तो बीजेपी के साथ ही थे। बीजेपी के साथ थोड़ी थे पहले, 2019 से पहले वो बीजेपी के साथ इसमें थे। तो ये अभी पॉलिटिक्स है ना, तो पॉलिटिक्स किधर भी। कब से देते थे उन्हें वोट? हम लोग तो पसंद करते उद्धव ठाकरे को पहले से ही। बाला साहब ठाकरे को? हाँ, बाला साहब ठाकरे को भी पसंद करते। क्या विचारधारा रही बाला साहब ठाकरे की? साहब ठाकरे ने पहले से कभी जाति भेद नहीं किया, तो हम लोग को वही सरकार पसंद है, और जात भेद करने वाली सरकार कोई काम की नहीं है, क्योंकि अपने अपने पैसा मतलब ये कर रहे हैं, लोग भर रहे पैसा। नाम क्या आपका? मोहम्मद शफी। और क्या लग रहा है महाराष्ट्र में किसकी सरकार आ रही है? महाराष्ट्र में पता नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं है अपने को। जो अभी महायुति की सरकार चल रही 2 साल से, फडणवीस साहब की और बीजेपी की, कैसा काम कर रही है? है ठीक है। ठीक है, जो लाड़की बहना योजना निकाली है, फायदा हो रहा घर में? क्या मालूम, अभी जिसने निकाले उनको मालूम। आपके घर में नहीं मिलना 7,500 रुपये? नहीं। तो काम कैसा कर रही है? आप तो ऑटो चलाते हैं, रोड कैसी है यहाँ? रोड अच्छी हो गई। अच्छी हो गई। उद्धव ठाकरे चाहिए देवेंद्र फडणवीस? अभी वैसे कैसे बोलेंगे, जो काम अच्छा करेंगे वो चाहिए। काम हो रहा कि नहीं हो रहा? अभी तो दिख रहा है ठीक से। पहले से कितना बदल गया आपका पुणे? पुणे बहुत बदला, लेकिन ये ट्रैफिक से परेशान है, धंधे नहीं रहे। रिक्शा का पासिंग परमिट चालू है, रिक्शा के धंधे पूरे ठप हो गए। नाम क्या सर आपका? लुकमान। ये कौन सा इलाका पड़ता है आपका पुणे का? येरोड़ा लक्ष्मी नगर, चमागढ़। अब ये बताइए, क्या लग रहा है महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला आपका, किसकी सरकार आ रही है इस बार? उसके बारे में नहीं। ये बताओ, जो सरकार चल रही है कैसा काम कर रही है? इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। आप तो ऑटो चलाते हैं, सड़क कैसी, सड़क सही है कि नहीं है? सड़क ऑटो चलाते हैं, खड्डे बहुत है। अच्छा, हाँ चलाने के लिए। मेट्रो वेट्रो बनी है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, बन गया। कब बनी है मेट्रो? अभी चालू हो के तो 6-7 महीने हो। 6-7 महीने होने? हाँ। तो किस सरकार ने बनाई ये? अभी जो सरकार चल रही है वही सरकार बनाई। ये अच्छा बना है कि बेकार है? अच्छा है। अच्छा है, मतलब विकास हो रहा है? जी हो रहा है। तो आप किस सरकार चाहते हैं? वो नहीं पता है, जो सरकार है वो। अरे वोट तो आप ही करोगे? वो बाकी पब्लिक बता देंगे, अभी हम तो क्या। मेरा नाम सैयद पुलिस मित्र इब्राहिम है। मैं किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? ये अभी महाराष्ट्र में मतलब शरद पवार की है और उद्धव ठाकरे की है। अच्छा। और कई लोग ऐसे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। तो अभी महायुति की सरकार चल रही है, कैसा काम कर रही है? काम तो चल रहा है, लेकिन महंगाई को कोई देख रहा नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब गए लाए, कोई आदमी ऊपर नहीं आ रहा है, ना धंधे वाले आ रहे हैं ना कौन आ रहे। अभी ये जो आपने क्या बोलते हैं, मोबाइल में जो पैसा निकाला है, सब बैंक वाले जब बैठे बैठे पैसा आ रहा है, आज धंधे वाले का ना 1-2 रुपया देखने को नहीं। महिलाओं को इस बार जो लाड़की बहना योजना चल रही है वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला हो। अच्छा। क्योंकि अभी कैसे गैस की महंगाई भी बढ़ा दिया है लोगों ने। अभी गैस हो गया 1500 रुपया, तो गरीब 1500 रुपया भर नहीं सकता, गरीब 1500 रुपया नहीं भर सकता है। क्यों? गैस का सिलेंडर 1500 का है, 1500 रुपया हो गया इधर लेने के लिए, आगे पीछे सोच रहे लोग, घर में आना नहीं है लोगों के। 1500 रुपये कहाँ है, 1000 के आसपास है, 800 1000 के ऊपर। आपको 1000 यकीन नहीं आता रहेंगे, आप उसका इंक्वायरी कर लो। अच्छा। क्या देश में क्या हो रहा है ये? अरे ये महंगाई को जरूरी है, जब महंगाई के वजह से पब्लिक चिढ़ गई है बहुत। ठीक, महंगाई हो गई है। कांबड़े ये सर। अब ये बताइए, महाराष्ट्र में चुनाव का टाइम आ रहा है,
किसकी सरकार बन रही इस बार? अभी ये उद्धव ठाकरे की आएंगी शायद, अच्छा काम चल रहा है। ये जो शिंदे जी है वो भी वो लड़की बहन योजना से फेमस हो गए। अच्छा, फडणवीस सरकार कैसा काम करी? फडणवीस जी वो तो ये मिलके चल रहे ना उनका। तो महायुति की सरकार कैसा काम कर रही है? दो साल फिर चल रहे है। अच्छा चल रहा है। तो किसकी आएगी सरकार, महाविकास आघाड़ी या महायुति? आघाड़ी की है। आघाड़ी की। आप तो बोल रहे काम अच्छा कर रहे हैं। अपन वो लोगों को समझता का है। अच्छा, आप किसे देंगे वोट? हम तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा, और काम अच्छा कौन कर रहा है? वो चल रहे ना दोनों तीनों मिलके, तो चल रहा है। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम राहुल साळुंके। अब ये बताइए, महाराष्ट्र में आए हम पुणे में, क्या लग रहा है पुणे का माहौल? पुणे का माहौल है इस बार है शरद पवार के साथ है सब जन। अच्छा, क्योंकि ये फडणवीस ने, फडणवीस के वजह से बीजेपी का नुकसान हुआ है। अच्छा, अगर फडणवीस नहीं होता तो आराम से बीजेपी जीतती थी। आप बोलेंगे फडणवीस ने क्या किया, फडणवीस ने जाति भेद किया, मराठाओं के ऊपर तकलीफ दिया, जो मराठा के ऊपर जो आरक्षण था वो भी हटा दिया। मराठा समाज नाराज है, ओबीसी समाज नाराज है, सब समाज नाराज है, सब वोट अभी उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, कांग्रेस को जाने वाला है। तो ये बताइए, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे आपके, क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने बहुत काम किया, कोरोना में बहुत काम किया है, रास्ते भी बनाया, सड़क भी बनाया, किसका आरक्षण नहीं हटाया, इसका नुकसान नहीं किया। जैसे अभी मोदी जी का बयान आ रहा है, मोदी जी अच्छा है, मैं बोलो ना, सेंटर में मोदी चाहिए, मोदी बहुत अच्छा आदमी है, मैं मोदी को भी मानने वाला हूँ। वो ये कह रहे हैं एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे मैं वो डायलॉग मुझे मालूम है, हिंदू बटेगा तो कटेगा, मालूम है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये आपस में जो अभी जो लोग झगड़े कर रहे ना सब लीडर लोग, वो नहीं करना चाहिए। मिलजुल के रहो यार, क्या एक में के बच्चों को जैसे वो जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, वो अच्छी बात नहीं है। अभी तो एजुकेटेड लोग है, सब अच्छी बात करो, मिल के रहो, एक एक एक, एक दूसरे के ऊपर कुछ कीचड़ मत उछालो। धन्यवाद जी। तुपे लक्ष्मण तुपे। अब ये बताओ, मुंबई और पुणे में आए हम इस समय महाराष्ट्र में, 20 नवंबर को आपके यहाँ मतदान होने वाला है, किसकी सरकार चाहिए? हमको अभी है ना इसका चाहिए, किसका? पवार साहब का। अच्छा, अजीत पवार भाई? नो, शरद पवार। अच्छा, क्या काम किए उन्होंने? उन्होंने बहुत सारा इधर बहुत सारा बढ़िया काम किया है, वो कभी करीब 40-50 साल कर रहे हैं वो काम। तो जो अभी बीजेपी और महायुति की सरकार चली, उसने काम नहीं किया? नहीं, उसने काम किया, फिर क्या हो गया, महंगाई ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, अभी इधर सादा ऑटो वाले की परेशानी देखो कितना है, हर चीज कोई लेने को गया तो दो रुपए की चीज आज 10 रुपए में मिल जाती है, तो रिक्शा वाले के लिए क्या किया उन्होंने? अच्छा, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जो अभी एक करने वाला था, क्या बोलता है उसका, अपना जो पेंशन चालू करने वाला था रिक्शा वाले को। अच्छा, वो सरकार ने आज तक किया नहीं। अच्छा, इसके मुताबिक हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद। नाम क्या आपका? सागर कदम। ये बताइए, आप, हम पुणे में इस समय मौजूद हैं, पूरे महाराष्ट्र का हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आ रही इस बार? इस बार राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी शरद पवार की? शरद पवार। उनकी क्यों आ रही है? उनका कारण, उनका भी काम इस समय बहुत अच्छा चल रहा है और उनका सपोर्ट में भी बहुत। अभी तो काम तो महायुति की कर रही है। महायुति कर रही है, लेकिन शरद पवार ने जो अभी किया है, क्या किया है, जिनके सपोर्ट के लिए जो आदमी जुटा है अभी साथ में, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, देखते हुए लग रहा है कि शरद पवार की सरकार आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे बने, लेकिन महाराष्ट्र में तो स्तुतर ही आएगी।